नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबिता। सपा नेता मोहसिन अंसारी के बाद अब संबल से सपा के सांसद शफीकुर रहमान बर्क जेल जाने वाले हैं। दरअसल संबल सांसद ने ज्ञानवापी शिवलिंग को लेकर ऐसा बयान दिया है जिससे उनके जेल जाने की संभावनाएं बढ़ गई है। आखिर ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये रिपोर्ट देखिए। ज्ञानवापी पर लगातार भड़काऊ बयान सामने आ रहे हैं। इस कड़ी में सपा के एक नेता मोहसिन अंसारी ने लीची को शिवलिंग बताया था। जब विवाद गरमाया तो पुलिस ने अंसारी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया और अब संबल से सपा के सांसद शफीकुर रहमान जल्द ही जेल के पीछे पहुंचने वाले हैं। दरअसल अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले समाजवादी पार्टी के संबल सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने से शिवलिंग निकलने की बात को ही सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि सरकार की ये पॉलिसी मुल्क के खिलाफ है। हम लोग यहीं के हैं, यहीं जिएंगे और यहीं मरेंगे। सपा सांसद ने आगे कहा कि मुसलमानों के खिलाफ इस तरह की पॉलिसी बढ़ती जा रही है, सरकार की पॉलिसी मुल्क के खिलाफ है। जगह जगह जो नफरत फैलाई जा रही है, इससे हमें ही नहीं मुल्क को भी नुकसान होगा। बर्क इशारों इशारों में सरकार को दंगों की चेतावनी दे रहे हैं और धार्मिक भावनाएं भी भड़का रहे हैं। वहीं सपा सांसद ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग देश में नफरत फैला रहे हैं। जहां तक कुतुब मीनार या ज्ञानवापी मस्जिद के बनने की बात है तो ये कोई आज की नहीं बनी हुई है। आज इसमें शिवलिंग निकल आया, ये सब झूठ है, प्रोपेगेंडा है, इसे हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। बर्क यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि मंदिर रहे या फिर मस्जिद रहे, ये मजहबी मामला है, हमें किसी की इबादत से कोई भी एतराज नहीं है। वहीं ज्ञानवापी मस्जिद परिसर को सील किए जाने की अफवाह पर के सवाल पर सपा सांसद ने कहा कि अगर वहां पर कोई कब्जे वाली बात सामने आती है तो फिर मुसलमान बैठेगा और आगे की प्लानिंग करेगा। मामला है मस्जिद में शिवलिंग निकाला गया, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल झूठ है, गलत है और ये गवर्नमेंट की पॉलिसी ये मुल्क के खिलाफ है और मुसलमान भी हम यहीं के रहने वाले हैं, यहीं रहेंगे, यहीं मरेंगे, यहीं जिएंगे। अगर मुसलमानों के साथ इस तरह की पॉलिसी बढ़ती गई और ये जगह जगह जो इस तरह की नफरत फैलाई जा रही है तो इससे मुल्क को नुकसान होगा, हमें ही नहीं मुल्क को भी नुकसान होगा। ये वही लोग हैं जो अपनी वोट बैंक के लिए अक्सर विवादित बयान देते रहते हैं और अब हिंदुओं की धार्मिक आस्था पर चोट करने की बात भी कर रहे हैं, यानी कि मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाना सही है लेकिन वापस मस्जिदों को हटाकर मंदिर बनाना गलत। यानी ये वही बात हो गई, ट्वाडा कुत्ता टॉमी साडा कुत्ता कुत्ता, मतलब कि अतिक्रमण करके मस्जिद बनाए तो सही है लेकिन हम अपने मंदिर के लिए न्यायिक प्रक्रिया भी अपनाए तो वो भी अपराध हो जाता है। बहरहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर कोर्ट की तरफ से इस मामले में क्या कुछ फैसला सुनाया जाता है और पुलिस की तरफ से बर्क पर इस तरीके की बयानबाजी के मामले में क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। आप देखते रहे कैपिटल टीवी। नमस्कार।